नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा पांडे और आप देख रहे हैं अमरजाला.com। ओपी राजभर अखिलेश यादव पर दिन ब दिन ज्यादा हमलावर होते जा रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ राजभर का अखिलेश यादव पर कटाक्ष बढ़ता ही जा रहा है। एक बार फिर से ओपी राजभर ने अखिलेश को लेकर कुछ ऐसा कहा जो सुर्खियां बन गई। अखिलेश यादव पर कई जुबानी हमले कर चुके राजभर ने इस बार कहा कि अखिलेश यादव मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर जिंदा है। ओपी राजभर ने कहा, अखिलेश यादव सिर्फ बीजेपी का नाम लेकर जिंदा है, वो मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाते हैं और मुसलमान डर की वजह से ही उन्हें वोट करते हैं। लेकिन अब मुसलमान भी इस बात को समझ गए हैं कि अखिलेश उन्हें बीजेपी का डर दिखाकर वोट ले सकते हैं। जब मुसलमानों के खिलाफ जुल्म होता है तो अखिलेश यादव चुप्पी साध लेते हैं। इससे पहले राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी में बगावत है और राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग के दौरान ये खुलकर बात सामने आने वाली है, जब कई विधायक पार्टी लाइन से अलग हटकर क्रॉस वोटिंग करेंगे। ओपी राजभर अखिलेश यादव से किस वजह से नाराज है, इसकी एक वजह और भी सामने आ रही है। ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को तो राज्यसभा में भेज दिया, लेकिन सुभाषपा को एमएलसी की एक भी सीट नहीं दी। गौरतलब है कि ओपी राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव में सपा की लाइन से अलग हटते हुए एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट करने का ऐलान किया था। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि वो अपने मुंह से समाजवादी पार्टी से गठबंधन खत्म करने की बात नहीं कहेंगे, बल्कि इंतजार करेंगे। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में सपा की हार के बाद से ओपी राजभर अखिलेश यादव को लेकर हमलावर हैं। वो लगातार कहते रहे हैं कि एसी कमरों में बैठकर राजनीति नहीं की जाती। ओपी राजभर ने कहा है कि हम आजमगढ़ में निष्ठा ईमानदारी के साथ 12 दिन तक 45 डिग्री पर काम किया है, हमने धरातल पर काम किया है। समाजवादी पार्टी के लाखों लोगों का सुझाव हमारे पास आया कि हमारे नेता से आप ही बोल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बोल सकता, उनसे कोई बोल नहीं पाता और वो न किसी से मिलते हैं। आप उनसे कहिए कि एसी से बाहर आएं और धरातल पर संगठन को लेकर काम शुरू करें, तभी हम आगे बढ़ेंगे। राजभर ने कहा कि यही बात सबको नागवार गुजर रही है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपने नवरत्नों से घिरे रहते हैं। अखिलेश यादव का एसी से बाहर नहीं निकलना आजमगढ़ उपचुनाव में हार का सबसे बड़ा कारण था। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जिस तरीके से यूपी विधानसभा चुनाव में टिकट बांटे गए, उसी का नतीजा रहा कि सूबे में सरकार नहीं बन सकी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अखिलेश यादव किसी की नहीं सुनते। संजय निषाद की ओर से आए भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के प्रस्ताव पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमें लोग पहले ही बुलाते रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने साथ ही साथ ये भी साफ किया, अभी हम समाजवादी पार्टी के साथ ही गठबंधन में हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।